ये बहुत ही चिंताजनक बात है, अब सब सबके लिए तो है ही है। और हमें हमें दिख रहा है कि सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं और सबसे वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जो दूसरा कंसर्न की बात है कि सिर्फ इनिशियल जो बढ़ा था नंबर्स, वो बड़े शहरों में ज़्यादातर बढ़ा था, जहाँ पर ज़्यादा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। अब जो बढ़ रहा है नंबर्स, वो स्मॉलर टाउन्स में बढ़ रहा है, छोटे शहरों में बढ़ रहा है, जहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ इतने अच्छे नहीं है, आईसीयू फैसिलिटीज़ इतने अच्छे नहीं है। सो यहाँ पर मोर्टैलिटी या डेथ्स बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली छोटे शहरों में थोड़ा सा लैक करता है इंडिया में, बड़े शहरों में ही है। मैं तो ये बहुत ही ज़्यादा वरिंग सिचुएशन है इस टाइम पे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ दिन केसेस बढ़ भी रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी छूट भी दे रही है लगातार, मेट्रो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, कितना टेंशन वाला ये पूरा माहौल हो जाएगा आने वाले दिनों में। ये प्रॉब्लम है सिर्फ दिल्ली नहीं, अक्रॉस द कंट्री यही प्रॉब्लम है कि एक तरफ हमें इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बड़े सारे इंडस्ट्री को खोलना पड़ रहा है, मेट्रोज को खोलना पड़ रहा है, लोगों को मूव करना पड़ेगा काम करने के लिए, जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए एक एक तरफ। और हमें सबको पता है कि GDP 24% श्रिंक कर गई है, तो एक तरफ इकोनॉमी को बूस्ट देना ज़रूरी है, साथ में इस तरफ केसेस बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही डेलिकेट और डेंजरस बैलेंस है। और इसमें अब जो रोल्स हैं गवर्नमेंट के कि रैपिडली एक तरफ आपको इकोनॉमी कुछ हद तक तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग भूख से मर जाएंगे, बेरोजगारी से मर जाएंगे, पर इस तरफ दूसरी तरफ हेल्थ केयर की तरफ से और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रैपिडली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बेड्स, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजनेटेड बेड्स ज़्यादा ज़रूरत है। होटल और बारात घर लेके कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, हॉस्पिटल बेड्स अर्जेंटली बढ़ाने की ज़रूरत। और जो हमारे जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, जो नॉर्मली क्रिटिकल पेशेंट्स को नहीं देखते हैं, उनको भी एक क्विक ट्रेनिंग, सो दैट वो लोग भी इन पेशेंट्स को देख पाएँ, उनके मॉड्यूल्स बनाना, उनको ट्रेनिंग देना कि जो अदर जो बेसिक डिग्री वाले डॉक्टर हैं और MBBS डिग्री या किसी और स्पेशलिटी के, वो लोग भी रैपिडली ट्रेन हो कि क्रिटिकली इल कोविड को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि नंबर्स बहुत रैपिडली सर्च करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरत है।